वेलकम टू ऑल इन वन। आज का वीडियो लेसन में देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड में इलिप्स बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 मिलीमीटर एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो यहाँ पर जो फोकस का डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से वो है 50 मिलीमीटर एंड इसका इसेंट्रिसिटी मतलब जिसको स्मॉल ई कहता है वो है 2/3। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे ड्राइंग करना होगा। ओके, ड्राइंग शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है जो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस वो है 50 मिलीमीटर। तो ये लिख लिया है 50 मिलीमीटर। अब उसके बाद दिया है कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2/3, जिसको स्मॉल ई बोलता है वो है 2/3। तो ये नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ ई इक्वल टू 2/3। अब इसेंट्रिसिटी ई को हम लोग लिखेंगे जो एक लेस देन एक है। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन एक होता है देन उसको हम एक इलिप्स बोल सकते हैं। अब दो एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर E इक्वल टू लिखते हैं VF/VC और इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर VF इक्वल टू हो गया है 2 और VC इक्वल टू हो गया है 3। तो VF/VC बाद में देख लेते हैं ये क्या है। और दो तीन को पहले मिला के हम लोग यहाँ 5 कर लिया है। ये क्यों किया है ये थोड़ा बाद में पता चलेगा। ठीक है, ये 2 3 मिला के 5। अब पहले हम लोग जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बना लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बना लिया है। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन के किसी भी पोर्शन से बना लेंगे। तो ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ नाम देते हैं सी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो डिस्टेंस बोला गया था 50 मिलीमीटर डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पॉइंट तक, तो वह जो डायरेक्ट्रिक्स था उससे 50 मिलीमीटर दूर एक पॉइंट ले लेंगे। ये हो गया 50 मिलीमीटर दूर एक पॉइंट। इसको नाम दे देंगे एफ, जो कि है हमारा इलिप्स का फोकस पॉइंट। ठीक है, अब ये सी एफ, ये है सी एफ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप VF/VC। तो यहाँ पर भी इस हिस्से में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि VF/VC इक्वल टू 2/3 बोला गया है। अगर यहाँ पर भी होगा तो इस साइड में दो हिस्सा VF के लिए और 3 हिस्सा VC के लिए, मतलब कि V सी से थोड़ा दूर और एफ से थोड़ा पास होगा। तो हम लोग जो 2 और 3 टोटल 5 पॉइंट्स है, तो ये टोटल 5 हमारा होगा सी एफ लाइन का 5 डिवीज़न। सी एफ लाइन का 5 डिवीज़न करके 2 यूनिट्स ले लेंगे हम लोग एफ के साइड और 3 यूनिट्स सी के साइड। तो हमारा जो ये लाइन 5 सेंटीमीटर था, इसीलिए हर एक सेंटीमीटर में एक पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद एफ से 2 पॉइंट बाद में जो पॉइंट निकलेगा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये बी पॉइंट। तो ये हो गया वर्टेक्स पॉइंट। अब यहाँ से इस साइड पे 2 हिस्सा और इस साइड पे 3 हिस्सा बचे हैं, तो ये VF/VC हमारा हो गया है। उसके बाद हम लोग बी पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। हो गया, अब बी पे सेंटर करके VF को लेके उस वर्टिकल लाइन के ऊपर कट देंगे, एक आर्क बना लेंगे। ये हो गया एक आर्क। ओके, अब वो जो आर्क उस लाइन पे टच किया है उसको नाम देंगे ई। यहाँ पर VE इक्वल टू VF होना चाहिए। हो गया है VF इक्वल टू VE। अब यहाँ पर सी और ई को जोड़ के एक्सटेंड कर देंगे।
सी को जोड़ के एक्सटेंड कर लिया है। अब क्या है, बी के पास 1 2 3 4 करके पॉइंट लेना होगा। उससे पहले हम लोगों का एलिप्स कहाँ ख़त्म होगा वो देखना पड़ेगा, उस वो कहाँ ख़त्म होगा, या ए जो पॉइंट है ना, उस ए पॉइंट से एक 45 डिग्री लाइन हम लोग सी ई के एक्सटेंडेड तक ले जाएंगे। यहाँ पे 45 डिग्री सेट स्क्वायर लेके यहाँ पे जो एफ पॉइंट से स्टार्ट करके वो लाइन तक इंटरसेक्ट करा दिया है। तो ये जो पॉइंट हुआ, उस पॉइंट से अगर एक वर्टिकल लाइन नीचे लाए तो उस लाइन जो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो ही होगा एलिप्स का लास्ट पॉइंट। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट निकला है ये है हमारा जो एलिप्स है उसका लास्ट पॉइंट, मतलब बी और ये टोटल लाइन है हम लोगों का मेजर एक्सिस। अब बी और उस पॉइंट के बीच में टोटल हम लोग कुछ सारे पॉइंट्स ले लेंगे, सेम इंटरवल के ले लेते हैं क्योंकि देखने में अच्छा होगा ड्राइंग। कुछ भी पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग ऐसे कट करके ले लेते हैं, ये सारे ले लिए हैं। अब इस पॉइंट को नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कंप्लीट। अब इन सारे लाइन से वर्टिकल लाइन बनाना है, हर एक पॉइंट से, सॉरी लाइन से नहीं, हर एक पॉइंट से 1 2 3 4 के जितने सारे पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट से एक एक करके वर्टिकल लाइन बनाना है, जो वर्टिकल लाइन उस सी ई का इंटरसेक्ट लाइन तक जाएगा, वह तक टच होना चाहिए सी ई का इंटरसेक्शन लाइन तक। ये हो गया सारे लाइन। अब 1 के ऊपर इस पॉइंट में दे देंगे 1 डैश, 2 के ऊपर 2 डैश, ऐसे ही 3 के ऊपर 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश ले लिए हैं। अब करना क्या है, अब लेना है कंपास। कंपास से 1 1 डैश का माप लेके फोकस पॉइंट में रख के फोकस पॉइंट को सेंटर बना के, जो एफ पॉइंट है एफ, उस पॉइंट को सेंटर बना के उसी लाइन पर एक बार ऊपर और एक बार नीचे कट देना है। अब 2 2 टेल्स का माप लेके एफ को सेंटर करके एक बार उसी लाइन पे ऊपर और नीचे बनाना है। तो फिर से 3 3 डैश का भी माप लेना होगा, ये 2 का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, टिक कर लेते हैं, हो गया। अभी 3 3 डैश का माप लेते हैं, उसके बाद एफ एज सेंटर उसी लाइन के ऊपर एक और नीचे मार्क लगा दें। उसके बाद फिर से 4 4 डैश में याद रखना है कि हम माप जब लेंगे तो सारे पॉइंट के 4 4 डैश, 5 5 डैश, 1 1 डैश, 2 2 डैश सब माप लेंगे, और जब काटेंगे तब फोकस पॉइंट में ही वो कंपास रख के काटेंगे, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद एक एक करके सारे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब 7 डैश, ये हो गया 7 लाइन के ऊपर, और एक बाकी है 8 8 डैश। तो यहाँ पर
ये हो गया। अब देख लेते हैं अगर वो लास्ट पॉइंट पे हम लोग ले लेते तो क्या होता। अगर इसका माप लेते तो एक पॉइंट में सेंटर अगर करते तो वो लाइन कहीं नहीं कटता, सिर्फ उसी लाइन के एक्सिस के ऊपर ही एक काट मार्क आता है। तो यही है हम लोग का इलिप्स का लास्ट पॉइंट। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए माप एकदम सही है। अब क्या है, एक फ्रेंच कर्व लेना होगा। फ्रेंच कर्व लेके जो सारे पॉइंट्स आया है, वी से स्टार्ट होगा इलिप्स हमारा, वी से स्टार्ट होके सारे क्रॉस पॉइंट में मिला के वो लास्ट पॉइंट तक जाएगा और नीचे भी सारे क्रॉस पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं कि जब कर्व बनाए, कर्व बनाते समय मिनिमम 3 पॉइंट्स को लेके ही कर्व बनाना होता है। गलती से 2 पॉइंट को लेके कर्व मत बनाना। ओके, तो ये हो गया हमारा जो इलिप्स तैयार।